हम लोग क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 3.3 का 6 का एक पहला प्रश्न है जो आपके सामने इस तरह से दिया गया है। इसको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो हमने पिछला वीडियो में बता दिया था कि हम लोग कैसे माना करते हैं। तो लेट हमने मान लिया 1/2 देखिए 2x + 3y, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसको हमने मान लिया m। आप कुछ भी मान सकते हैं। एम 1/3x - 2y बराबर हमने मान लिया n। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 से देखिए 1/2x + 3y की जगह पर m, तो m/2 हो जाएगा। m/2 प्लस में 12 और 7 बचा रह जाएगा तो आपको हो जाएगा 12 n/7 बराबर में 1/2। समीकरण 3 कर दिए। फिर चलेंगे, फिर समीकरण अगर चल दिए 2 से तो उसी तरह से देखिए 1/2x + 3y के m माने हैं तो आपको हो जाएगा 7m प्लस में इसको चलिएगा तो 4n बराबर में 2 हो जाएगा। यह समीकरण 4 हो जाएगा। अब इसको हमको किसी एक को काट देने के लिए, m या n को हटाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, या तो इसको आप लघुत्तम लेके बराबर कर ले या तो डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ। तो चलिए मैं इसको काटने के लिए समीकरण 1 समीकरण 3 में मैं गुना कर रहा हूँ। अब देखिए अब समीकरण 3 गुने समीकरण 3 में हम 1 से गुना कर रहे हैं तथा समीकरण 4 गुने देखिए इसको 12 बनाना होगा तो ऊपर में 3 और नीचे में 7 आना होगा तो 3/7 कर दे रहे हैं तो 4 × 12 = 7 हो जाएगा और कट देंगे से। तो 1 से गुना करेंगे तो सेम बचेगा 12 m/2 प्लस में 12 n/7 बराबर में 1/2। लेकिन 3/7 से ही में गुना करिएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें गुना करिएगा तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, आपको बच जाएगा 3m। देखिए ना 7 से 7 कटेगा 3m। अब इसको में गुना करिएगा तो प्लस में आपको बच गया 12 n/7 बराबर में 1। कितना हो जाएगा यार, देखिए 3 × 6/7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप घटाइएगा तो यहाँ से यह कैंसल हो, ये बच गया आपको m/2 - 3m बराबर में बच गया 1/2 - 6/7। यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो आपको होगा 2 - 6m, यहाँ आप लघुत्तम लीजिएगा तो होगा 14, तो ये 7 - 2, यहाँ -5m/2, यहाँ बच गया 5/14, यहाँ से यहाँ कैंसल हो गया, 2 × 7 = 14 कट गया। आपको देखिए कितना बच गया -7m = 1, इसलिए m = -1/7 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा देखो लघुत्तम 2, 7 और 6, 7 × 14 इसलिए 6 × 12 माफ करिए बचेगा 6 × 12 बचेगा तो यहाँ -5 बचेगा, यानी दोनों ओर हमें माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से बच जाएगा m बराबर आपको 1/7। m का मान समीकरण 1 में m का मान आप इसमें रख दीजिए समीकरण 4 में, ताकि आसान है समीकरण 4 में, तो 4 में रखिएगा तो 7 देखिए m के जगह पर रख रहे हैं 1/7 प्लस में 4n बराबर में 2, 7 से 7 कैंसिल 1 बच गया। आप देखिए आप 4n बराबर में इधर से 1 ऊपर ले उधर ले जाइएगा तो 1 बचेगा, देखिए ना 1 उधर घटेगा तो 1, इसलिए n बराबर करिएगा तो 1/4। आपको आंसर निकालना है m n का नहीं xy का ही नहीं कि m n का। तो हम बराबर करेंगे जब लिखेंगे जब 1/2x + 3y बराबर में m, तो m के जगह पर आपने कितना लाया है 1/7 तो हो जाएगा 1/2x + 3y बराबर में देखिए 1/7, यहाँ से 3 गुना करिए तो 2x + 3y = 7, ये समीकरण हो गया 5। फिर जब 1/2 देखिए आप कितना माने थे 3x - 2y = n और n के जगह पर 1/3x - 2y और n के जगह पर देखिए आपका कितना आया है, n के जगह पर आपको आया 1/4, तो इसको भी आप 3 गुना करिएगा तो 3 गुना करके आपको यह क्या देगा, देखिए 3x - 2y = 4,
थ्री एक्स माइनस टू वाई बराबर में फोर, यह समीकरण हो गया छ। अब समीकरण पांच और छ को हल कर दीजिए। तो समीकरण पांच और छ को डायरेक्टली हल कर लेते हैं, तो देख लीजिए दो और तीन है या तीन और दो है, तो लिखिए समीकरण पांच गुने पांच में कैसे गुना कर दे, चलिए दो से गुना कर दिए एवं छ गुने तीन से। तो समीकरण पांच में दो से गुना कर रहे हैं, पांच में दो से, तो होगा आपको कितना चार एक्स प्लस में छ वाई बराबर में चौदह। और समीकरण इसको में तीन से, तो तीन से गुना करेंगे तो तीन तरीके नौ एक्स माइनस में छ वाई बराबर में बारह, यह से यह कैंसल, नौ चार तेरह एक्स बराबर में छब्बीस, एक्स बराबर टू, एक्स बराबर टू, एक्स का मान समीकरण पांच में, समीकरण पांच में रखिएगा तो देखिए पांच कितना है टू, और एक्स के जगह पर कितना है टू प्लस में थ्री वाई बराबर में सेवन, थ्री वाई बराबर करिएगा तो चार उधर घट जाएगा तो थ्री बचेगा, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा वन। आप x और y के मान रख के समीकरण को जांच कर सकते हैं, m और n के मान रख के भी समीकरण को जांच कर सकते हैं, और यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बजगुणन विधि में चलेंगे, अगर आपको और भी कोई प्रश्न नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में बोलकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ठोक दें, आप ऊपर वाली बटन अंगूठा को जरूर चापे जिससे हमारा और भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरह से प्यारी प्यारी वीडियो बनाता रहूं।